चुनाव की घड़ी आ गई है और कहा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो तो धर्म और जात के इर्द गिर्द तमाम चुनावी जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। और खास तौर पर इस बार जिस अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है, ओवैसी फैक्टर या फिर कह लीजिए चुनाव का धर्म काटा किस तरफ हिलता हुआ दिखेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे सिद्धार्थनाथ सिंह साहब वरिष्ठ मंत्री सरकार के और असदुद्दीन ओवैसी जी AIMIM के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओवैसी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। ओवैसी जी आए, क्या लाए? धर्म का काटा लाए, ये आरोप लगता है आप पर, क्या होगा आपका जवाब? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं कभी धर्म का ना यूज किया इलेक्शन में, ना कभी करूंगा, और अगर करता हूं तो इलेक्शन कमीशन और जितने हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो फौरन इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दे सकते हैं, MCC का वायलेशन है। परेशानी यहां पर शुरू हो जाती है जब हम उत्तर प्रदेश में आकर ये कहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सियासत हो या भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास सियासी ताकत है उसी समाज को उसका हिस्सा मिलता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर आपको मैं डेटा देना शुरू करूं तो इसको भी कोराबोरेट कर सकता हूं। यही हमारा लड़ाई है, यही हमारा झगड़ा है, यही हमारा डिमांड है कि भाई हिस्सेदारी की सियासत हो। तो जब उस पर यह बात होती है तो सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, हिस्सा नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ गुलामी करिए, हमारा साथ दीजिए या डरते रहिए। तो हम इन चीजों को उठाते हैं तो इससे सबको तकलीफ होती है। चलिए, शुरुआती कमेंट एक आपसे लेने के बाद ही मैं अगला क्रॉस क्वेश्चन उनसे करूंगी। आपको तो मुस्लिमों के वोट चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता वो आपके बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये आप कैसे कहती हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा 100 में से 60% हमारे साथ है, 40 में बंटवारा है, उस बंटवारे में भी हमारा है। तो 40% तो आप पहले ही स्वाहा कर चुके हैं। अब 40 में भी हमारा है तो वहीं से शुरुआत कर लीजिए, फिर वहीं से शुरुआत करेंगे तो उसमें हमने तो नहीं कहा। हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारी जितनी भी आप कार्य योजना देख लीजिए उसके अंदर कल ही मैं प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था गरीब कल्याण योजना के तहत, उसके अंदर जो बैग्स और जो अन्य हम लोग ने वितरण किया तो उसके अंदर कहीं मैं 10 लोगों को दे रहा हूं तो वहां पर 3-4 तो मुस्लिम बहनें भी थी। तो हमने कब कहा हमारा आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, आयुष्मान कार्ड में लेके हमारे आप प्रधानमंत्री आवास देखिए, मुख्यमंत्री आवास देखिए, ये जितनी भी योजना है हमने तो नहीं कहा कि इस कौम को नहीं मिलेगा, इस कौम को ही खाली दिया जाएगा। हम तो देते आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे सब हैं, मगर जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं हमें इतना ही चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमारे पास तो यही वोट होना चाहिए। तो हमारी तो नीति ऐसी नहीं है। हिस्सेदारी के नाम पर आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, ये आरोप उनका सीधा है। जब वो 10 बैग देते हैं तो उसमें से 2-3 मुस्लिम भी होते हैं। अब ये सवाल कैसे आप पूछ रहे हैं कि आप इनको नहीं, भाई तुम मुस्लिम हो तो मैं बैग नहीं देंगे? देखिए, मैं बैग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बैग की बात करना होता तो बैग लेके चला जाता। मैं बैग नहीं चाह रहा हूं, मैं अपना पॉलिटिक्स में हिस्सा चाह रहा हूं, और उत्तर प्रदेश की सियासत में हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां तक बैग की बात हमारे मौजूद दोस्त ने की, इस हिस्सेदारी का मतलब क्या है सर, ये क्या हिस्सेदारी कह रहे हैं आप? जी, हिस्सेदारी ये है कि मिसाल के तौर पर जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ 70 के करीब मुस्लिम MLA थे। क्या हुआ हिस्सेदारी की जब हम बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों का लिटरेसी रेट क्या है आप पूछ लीजिए। 5 बैग बांटे, क्या लिटरेसी रेट है मुसलमानों का? नहीं, आपने 5 बैग बांटे ना, क्या लिटरेसी रेट है बताइए? इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोषी मान रहे हैं? आप सत्ता में हैं? ना, आप उसके लिए हम योजना लेकर आए, हम लोग का सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। हम तो नहीं कहते कि आप हमारे यहां पढ़िए वही आएंगे खाली, ये तो हमारा अभियान है। हाँ, आप लोग जाएं, उनको कहें, सबको कौम के अंदर कहें कि आप शिक्षित हुई है, आप शिक्षित होकर जाइए, स्कूल में भी जाइए। कहे उसको कहा जाता है कि आप इतना ही मदरसे में पढ़ेंगे तो उसको मदरसा को जब हम मॉडर्नाइज करते हैं तो उस पर आपत्ति आती है। नहीं नहीं, ये किस प्रकार की नीति है? मैं जो पूछ रहा हूं आपको नहीं मालूम, इसीलिए आप बीटिंग राउंड द बुश कर रहे हैं।
लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 58% है। प्राइमरी स्कूल जो कंप्लीट माने मुकम्मल करते 20%, और जो प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर देते वो 15%, हाई स्कूल 3%, ग्रेजुएट्स 2%, ड्रॉप आउट रेट क्लास 5 से 5 साल की उम्र से 15 साल तक ड्रॉप आउट रेट 59%। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, पूरी सरकार जिम्मेदार है। अगर सुनिए सुनिए, विधायक होगा वहां तस्वीर बदल जाएगी, सुनिए, सॉरी मुस्लिम विधायक होगा। सुनिए, अगर जो सरकार चाहती है तो ये क्यों नहीं कर सकती? एमएसडीपी का प्रोग्राम है, 160 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिए, 10% आपने उसके इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, बोलने दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं कि जब तक एक माइनॉरिटीज की पॉलिटिकल वॉइस नहीं होगी, उस वक्त तक चाहे एजुकेशन का मसला हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मसला हो, मसले हल नहीं होंगे। क्यों आप कितने लोग ऐसे उठाते हैं माइनॉरिटी? माइनॉरिटी की परेशानियां आपके लिए सहूलियत की राजनीति है। मैं जब ये आपको डेटा लगता है, भारत जैसे मुल्क में सिर्फ मुस्लिम बेस्ड प्रॉब्लम्स है, आप ही कह रहे हैं कि शिक्षा का। अच्छा चलिए, आप डिबेट करवा लीजिए, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम, सुनिए, देखिए सुनिए ना, आप सबकी डिबेट करवा लीजिए, एम्पिरिकल डेटा लाके बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पोजीशन है, अगर दलितों से कमतर नहीं है, कम नहीं है, तो उनके बराबर हो चुका है। आप जेल में कितने मुसलमान है मालूम मैडम आपको? अंडर ट्रायल 27%। कितनों का कन्विक्शन होता है उसमें से? 3 या 4% का कन्विक्शन होता है। आप बात करते हैं कि कितने मुस्लिम एमपी हैं बीजेपी से? एक भी नहीं है। अच्छा, जो दूसरे सेकुलर पार्टी हैं जो हमको ताना मारते रहते हैं, कहां से जीते वो? क्या किसी यादव डोमिनेटेड सीट से मुसलमान जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। ब्राह्मणों का सम्मेलन होता है तो अपीजमेंट नजर नहीं आता अंजाराम कश्यप को, और अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया जाता है तो अपीजमेंट नजर नहीं आता। हमारे आगरा के मिनिस्टर को मिनिस्टर बना दिया जाता है, एमपी को, तो अपीजमेंट नजर नहीं आता। मैं क्या मुद्दों की बात कर रहा हूं? मोदी सरकार खुद ये कहती है कि हम इस ओबीसी समाज को ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी करिए ना, आप कौन रोक रहा है आपको? हम ये पूछ रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार के आपने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, बता दीजिए, जवाब दीजिए। अब मैं बताता हूं, पहले तो इनका जवाब देता हूं कि कौन सी कास्ट का कोई बना है, इसका यह तो मतलब नहीं हुआ कि खाली उसी को बनाया जा रहा है। समाज जो होता है, समाज के अंदर हर व्यक्ति होता है, हर जाति का होता है, हर धर्म का होता है, सबको बना रहे हैं हम लोग। नहीं, सर, जब देश की संसद नहीं चली तो प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री ने कहा कि संसद में विपक्ष ओबीसी का दलित मंत्रियों का अपमान कर रहा है। नहीं तो क्यों कास्ट बताया आपने? नहीं, वो जो है आपने क्यों नहीं, एक सेकेंड, वो आप क्यों ले रहे हैं कि यही कास्ट लेके चल रहे हैं? हम कह रहे हैं समाज का हर वर्ग, और समाज का जो हर वर्ग है उसके अंदर जो सेंसस है इसी तरह डिवाइडेड है, उसको क्यों आप आपत्ति कर रहे हैं फिर? तो वो भी है वहां पर। अब जहां तक ये आया, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। हमने तो नहीं कहा कि हमारे लिए खाली मुसलमान है, हमारे लिए खाली ब्राह्मण है, हमारे लिए खाली ओबीसी है। हम तो कह रहे हैं हम सबको लेके चल रहे हैं और सबके लिए नीति बना रहे हैं, और उस नीति में सबको फायदा मिलना चाहिए। जहां पर एम्पावरमेंट की बात होती है वहां पर भी हम जाते हैं, कहीं एम्पावरमेंट की बात होती है, इन्होंने तो कभी सोचा नहीं होगा, ना आगे सोचने वाले हैं, ना किसी पार्टी ने। एक सेकेंड रुकिए, आज हमारी स्कीम आती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पूरे देश में चल रही है, विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्या है? हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, टेक्सटाइल वाले हैं, बुनकर समाज है, उनको कौन सोच रहा था उसके बारे में? उनको आज हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देके उनको पैसा देते हैं, पैसा नहीं, एक सेकंड, पैसा मासूम भी ना बनिए। नहीं, मासूम नहीं, राजभर साहब से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कहां इन्होंने अच्छा सा मोर्चा बना रखा था, वहां भी फ्लर्ट करने लगे आप। इधर अपना दल को आपने शामिल किया, मंत्री बना दिया, अब आप कह रहे हैं कि हम वहां पे घुस रहे हैं, अब ये तो बड़ी दिक्कत हो जाए। आप चाहते क्या इन छोटे दलों के जरिए आप कास्ट पॉलिटिक्स हम कहां कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं, हम कहां कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हम सबको खुश करना चाहते हैं, सबके लिए योजना लेकर आ रहे हैं और सबको लाभ मिलना चाहिए, हमारी तो नीति इतनी है। कहां तो आप दलित मुस्लिम कंबाइन की तरफ देख रहे थे, अब राजभर जी स्वतंत्र देव सिंह से मिल रहे हैं, क्या कीजिएगा सर? आप अक्सर कहते हैं रजिया गुंडों में लुट गई। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं लैला हूं और सब मेरे मजनू हैं,
तो इसमें कोई बात नहीं है, चलते रहता है। जहां तक राजभर साहब का ताल्लुक है, मैं साफ कह रहा हूं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। समंदर के दो किनारे एक कभी नहीं हो सकते। और अगर वो बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये बुनकरों की बात किए, आपने टैरिफ क्यों बढ़ा दिया भाई बिजली का? आज जितना बुनकरों का, अंसारी भाइयों का कारोबार है, वो सूरत और महाराष्ट्र चला जा रहा है। क्यों भी जा रहे सूरत को आप? हमने 1500 रुपए 2000 रुपए आपने टैरिफ बढ़ा दिया। नहीं बढ़ाया, ये फिर भ्रमित कह रहा जा रहा है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे। अरे आपने बढ़ाया सर, आप एमएसएमई के मिनिस्टर हैं। नहीं, उस तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरा बुनकर परेशान है, ईस्टर्न यूपी का बुनकर परेशान है। फिर से एक सेकंड सुन ले, हम लोग बुनकर के लिए एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसके अंदर 2006 से जो चल रहा था उसके अंदर बिजली के लिए हम लोग सब्सिडी जो दे रहे थे उसके अंदर अंतर। फिर हमने निर्णय किया कि हम लोग उनको इसी प्रकार से चलने देंगे क्योंकि महामारी आई है और ये हम लोग पूरा का पूरा पीरियड दे रहे हैं उन लोग को। तो कहां बढ़ाया हमने? आपने बिजली नहीं बढ़ाई, टैरिफ नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाया, नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ाया। माने 1500 रुपए हम उनको जो सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी दे रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं, बुनकर खुद फैसला करेंगे, अंसारी भाई फैसला करेंगे। साक्षी महाराज, जो बीजेपी वाले सांसद है, बड़े खुश हुए सुनकर कि ओवैसी जी आ रहे हैं। अच्छा, वो कहा कि बड़ा अच्छा है हमारे लिए। वो भी हमारे मजनू हो गए। इसीलिए ये पूछा जाता है कि ओवैसी जी बीजेपी के साथ है या खिलाफ है, क्योंकि वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स इनको सूट करती है। नहीं नहीं, मैं तो सुना कि साक्षी महाराज को भी ओबीसी कोटा में मंत्री बनने का शौक था, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अरे आप खुद कर रहे हैं भाई, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, बाघेल, कौशल किशोर, हाँ ये सब लोगों को आप बनाते हैं और आप बताते हैं कि हम तो दूध के धुले हुए हैं। पूरी ओबीसी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स आप करते हैं। यहां पर समाजवादी, बीएसपी, ब्राह्मण सम्मेलन, और हम अगर मजलूमों की बात करते हैं, अरे आप नहीं बात करना, कैसे बात कर रहे? माने यहां पर ये अजीब मामला है कि अगर कोई यादव बीजेपी कोर्ट दे दे या कोई ब्राह्मण बीएसपी कोर्ट दे दे तो कोई ये नहीं कहता कि वोट कटवा है, बी टीम नहीं कहा जाता। और जब ये लैला आ जाती है तो देखिए बी टीम आ गई। अरे ये अजीब मामला है। अरे ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कि मुसलमानों की एक लीडरशिप नहीं बनी है। चाहे जितने सीएम बने, जो सीएम जिस समाज का होता है, अपने समाज को मजबूत करता है, इसमें तो, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अखिलेश जी तो आश्वस्त हैं कि मुस्लिम्स उनकी तरफ है, कहां है उनके साथ वोट। अरे अखिलेश तो इनसे मिले हुए हैं, इटावा में कैंडिडेट नहीं दिया उन्होंने, दिया क्या पूछे इटावा में? 21 मुकामात पर चेयरमैन के लिए अखिलेश ने कैंडिडेट नहीं दिया। मोदी जी पहली मरतबा, मुलायम जी ने संसद में प्रशंसा की थी मोदी जी की, इसीलिए शायद। नहीं नहीं, मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया था कि दोबारा मोदी पीएम बन जाए, उन्होंने खड़े होकर कहा। अखिलेश ने तो आज, अखिलेश हम बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी मेहरबान है, उन्होंने अपना असेंबली इलेक्शन हार गया, पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, अपने परिवार के दो लोग हार गए, मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव साहब की मेजोरिटी कम हो गई। अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुस्लिम वोटों से जीते, वो तीन जो मुसलमान जीते वो मुस्लिम वोटों की वजह से जीते, और अखिलेश कौन सी दुनिया में है? अखिलेश ने ही तो सब किया ना ये। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू वाहिनी का वो शख्स जिसका वीडियो आज भी, जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को खबर से निकालकर उनका रेप करो, आज वो समाजवादी में बैठा हुआ है, तो कौन सा सेकुलरिज्म है ये? समाजवादी पार्टी में बैठा हुआ है वो, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। अब आप बताइए, ऐसा दिखता है कि नूरा कुश्ती बीजेपी और समाजवादी में हो रही है, साइलेंट अलाइनमेंट। ये तो अब यही समझेंगे, बीजेपी का कैंडिडेट होगा या नहीं, आप ही बोल दीजिए कि होगा, लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा, हम लोग के यहाँ जहाँ कैंडिडेट होगा वहां पे लड़ेंगे, और हम लोग 403 सीटों में गठबंधन को छोड़ के बाकी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब ये कुछ चीजों पे बोलते हैं फिर बुरा लगेगा। हैदराबाद में इनके भाई साहब ने भी कुछ बोला था, 15 मिनट लाइट बंद कर दो, अब उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तो इसलिए मैं उसमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। एक मिनट, मेरे को तो ये बता दें कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं, मैं 2 मिनट मानता हूं, और ये भी मानता हूं कि उनकी जो हालत है वो दयनीय है, सबने वोट लिया मगर किया नहीं कुछ आज तक। आप करने आ रहे हैं तो आपका स्वागत जरूर करूंगा मैं एक नागरिक के रूप में, मगर एजेंडा तो दे दो, आप करोगे कैसे ये भी तो हम लोग को समझाओ। ये तो किए, ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए, चलाते ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है इनके पास,
एक 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 सर सुन लीजिए ना, इतना हिंदू वाहिनी का मैं जिक्र किया, वो उस लड़के का, सुनील जो भी नाम है आदमी का, आपको तकलीफ क्यों हो रही समाजवादी में चला गया तो? अरे अभी आप, अरे आप तो, मैंने नहीं कहा, आपको मैंने खाली कहा अभी हिंदू वाहिनी का जिक्र किया था, उस समय के प्रकरण को किया था, उसके आधार पे मैंने आपको थोड़ा सा हैदराबाद का भी दर्शन करवाया। नहीं सर, अच्छा है, हैदराबाद अच्छी जगह है, आप दर्शन करने जरूर आइए। आप अमित शाह भी आए थे, आप भी आइए, आपको आना चाहिए, देखना चाहिए हैदराबाद की खूबसूरती को, उसमें कोई इतराज नहीं है, भारत का हिस्सा है, अटूट हिस्सा रहेगा। अयोध्या गए या नहीं गए? अयोध्या गए या नहीं गए? हम तो 2000 मेरे ख्याल से हम 12 या 13 में हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 16 में बाई इलेक्शन लड़े थे वहां पर। हाँ, आपके जहन में कुछ और है बता दीजिए, जबान पे ला ही लीजिए, क्यों रोक रहे हैं अपनी जबान को? राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो कई लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक हाँ, पहुंचेंगे। अच्छा, ओवैसी साहब जाएंगे कि नहीं दर्शन करने? नहीं, मैं तो इस बारे में खुलकर कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी नस्लों को हम बताते रहेंगे कि आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया था। आप खुद एक बैरिस्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट धोखे में आ सकता है। सुनिए सुनिए, और सुप्रीम कोर्ट अगर वहां मस्जिद बीजेपी शहीद नहीं करती तो क्या ये आज का फैसला आता? वो मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला, हम तो ये बोलते रहेंगे। सिद्धार्थ जी, अब पहले तो ओवैसी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट को धोखा कोई दे सकता है तो इन्हीं के शब्द हो सकते हैं, भारत में ऐसा कोई नागरिक नहीं मिलेगा जो ये कहेगा। और दूसरी बात जो है, वो रामलला का जन्म स्थान था, वो पहले भी था, कोई कब्जा करेगा फिर भी रहेगा उस पे, और उस पे मंदिर बनेगा, ये भी एक आस्था है। नहीं नहीं, आस्था है मगर कोर्ट ने तो नहीं माना उस बात को, पढ़ते नहीं है ना जजमेंट, अगर जजमेंट पढ़ लेते तो कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने बात ही नहीं कही, कोर्ट ने कहा कि आपका पोजीशन है इसलिए हम आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने तो यहां तक भी कह दिया जजमेंट में कि वो 6 दिसंबर की जो हरकत थी गलत हरकत थी। अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या होता? खैर छोड़ दीजिए, बाबरी मस्जिद तो हमारे लिए वो मस्जिद है और रहेगी, मगर अगर नहीं आया होता तो क्या होता ये भी हम लोगों को नहीं पता अभी तक। अयोध्या से अब परहेज हो जाएगा? क्यों परहेज होगा? पूछ रही हूं। अरे भारत का हिस्सा है मैडम, हमको क्यों परहेज होगा किसी भारत के हिस्से से? फैक्ट है, हम फैक्ट को बता रहे हैं कि आजाद हिंदुस्तान में ये हरकत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट को आपके कल्याण सिंह की सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि हम स्टेटस को बरकरार रखेंगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने वो कंटेम्प पिटीशन को हियर नहीं किया है, वो कंटेम्प पिटीशन आज भी है। ये कमिटमेंट आपने दिया था, आपकी सरकार ने, बीजेपी को उस वक्त की, और आपने उस कमिटमेंट से आप मुंह कर गए। ऐसा है अंजना जी, गुलाम भारत के अंदर बाबर आके मंदिर तोड़ सकता है, ये आजाद भारत है, इसमें कोई ऐसी हरकत कर नहीं सकता, जिसने गलत किया उसको सुधारेंगे भी हम। मतलब आप भी हिंदुत्व के इर्द गिर्द, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर, विषय वो नहीं है, विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आप एक नागरिक हैं भारत के, और भारत के नागरिक होके कोई बाहर से आए और वहां पे सजदा करने के लिए किसी को तोड़ के बनाए, तो ये कौन सी सजदा? पर आप लोग कैसे हानि मगर कर रहे हैं? फिर तो उसको करेक्ट कर रहे हैं, आप करिए ना, हम कब मना करते हैं? हम तो कहते हैं स्वागत है, आप करिए और करिए, अच्छा करिए। राम मंदिर की भी भूमि पर स्कैम हो गया कि इतनी की जमीन थी, इतने पे दिया। मेरे से जवाब नहीं, देरी हो रही है, देरी हो रही है, उसके लिए वीएचपी सक्षम है, उन्होंने जवाब दिया है और उसका जवाब आप लोगों के बीच में है। पॉलिटिकली आपने भी उस मुद्दे को उठाया था, वो कह रहे हैं कि बीएचपी ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि उस रेट के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग रेट था। आपके आज तक ने मुझे जमीन के मसले पर बुलाया था, मैंने कहा मैं इस मसले में आऊंगा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी, मैं जमीन के मामले क्यों जाऊंगा? मेरा बोलना फिर से ये है कि अगर 6 दिसंबर को बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करते तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता था क्या? चलिए अब चुनाव में ओवैसी फैक्टर पर जरा आते हैं। बिहार में आप एक तरह से गेम ब्रेकर साबित हुए विपक्ष के लिए, गेम ब्रेकर। किसका गेम ब्रेक किया आपने? किया जो किसका गेम? आरजेडी का, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सीट वो हारे और अच्छा, इनकी सरकार अच्छा, सवाल क्या आपका, बोलिए आप किंग मेकर हैं, गेम ब्रेकर हैं, क्या हैं आप यूपी में, आपकी क्या भूमिका है? ना मैं किंग मेकर हूँ, ना मैं गेम ब्रेकर हूँ, ना मैं स्पीड ब्रेकर हूँ। 100 आउट ऑफ 400 से क्या? सुनिए सुनिए, मैं वो हूँ
जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में एक लीडरशिप को पैदा करने के लिए आया हूं। मैं लीडर बनने नहीं आया हूं। हम अब बहुत पिछले 65 साल से इन नामनिहाद सेकुलर पार्टियों के पैरों का फुटबॉल बनते रहे। सेकुलर पार्टी बीजेपी का डर दिखाती, बीजेपी हमारा डर हमारे हिंदू भाइयों को दिखाती और अपना अपना ये लोग दुकान चलाते हैं। मैं यहां पर एक ऑथेंटिक लीडरशिप को बनाने आया और बनाकर रहूंगा। मुझे किसी से मतलब नहीं है कौन गेम खेलता है क्या खेलता है। अब हम अपना गेम खेलेंगे, हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, ये हमारा मकसद है। आखिर कब तक मुसलमान बीजेपी से डरता रहेगा? आखिर कब तक मुसलमान अखिलेश यादव का, अरे MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, डराते हैं बीजेपी से और मलई खिलाते हैं वाई को खाली। क्या गरीबी मेरा मुकद्दर बन जाएगा? क्या मैं ऐसा ही डरते रहूंगा? क्या लीडरशिप आएगी? नहीं, बात नहीं करेगी। हर समाज की यहां पर लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में। अगर किसी की लीडरशिप नहीं है तो मुस्लिम समाज की नहीं है। और अगर जो भी अपने आप को जो कहते हैं वो तमाम के तमाम तो गूंगे हैं, शो बॉयज हैं, मुंह में जबान है मगर गूंगों की तरह, बहरों की तरह, अंधों की तरह रहते हैं, दिखता नहीं है उनको क्या हो रहा है जमीन के ऊपर। लेकिन अकेले आप कैसे भिड़ पाएंगे? मैं अभी 16 पार्टियों की राहुल गांधी ने बैठक बुलाई। कौन? राहुल गांधी ने बैठक बुलाई दिल्ली में। हाँ, उसमें हम तो नहीं थे। हाँ, इसी नहीं थे तो पूछ ना, रही हूं। नहीं थे हम उसमें तो, नहीं नहीं, हम उनके नाश्ते के लायक नहीं है ना हमको उनको ब्रेकफास्ट की जरूरत है। भाई वो खुद हार गए यहाँ पर यूपी में, आप किसकी बात कर रहे हैं मैडम? आप यहाँ हार गए, अपनी आबाई सीट को हार गए, वो कहाँ कर रहे हैं? वो बेचारे वहां चले गए, साउथ में चले गए, वहीं उनको सबसे अच्छा नजर आ रहा है। यूपी की तो कोई चीज पसंद भी नहीं आती, तो उनसे राहुल गांधी तो है भी नहीं, टाइटा हो गए यहाँ पर, वो कुछ भी नहीं यूपी में उनका। ये तो आपके मन की बातें कर रहे हैं, तभी लोग बोलते हैं। देखिए, वो आप कुछ भी समझे मगर ये लोकतंत्र है, इनको भी अधिकार है। ये कहते हैं कि हम अपनी लीडरशिप बनाएंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को या किसी और पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो लोकतंत्र है। जो पिछली बार शमशान कब्रिस्तान वाले बयान के बाद हुआ था, क्या इस बार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के जरिए आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आया है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है। दोनों में बड़ा अंतर है। पॉलिसी जो है वो हर 10 साल पे आती है, वो 10 साल के बाद हम लोग को भी फिर से लानी थी, वो फिर से हम लोग लेकर आए। तो इसमें बिल जो है वो आएगा, जब आएगा तो हम उसमें बहस कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन पॉलिसी में आप ये बता दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश ने रिप्लेसमेंट रेट को हासिल किया नहीं किया अब तक? क्या उत्तर प्रदेश, सर मेरे सुन लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार योगी की, मोदी सरकार के खिलाफ जा सकती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2020 में एफिडेविट में ये कहा कि भारत में 2 child नॉर्म इज अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? तीसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं आपकी पॉलिसी में कि उन्हीं लोगों को इलेक्शन लड़ेंगे या प्रमोशन मिलेगा जिसके 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। आप तो सर रिप्लेसमेंट ने, सुनिए मेरी बात, रिप्लेसमेंट रेट तो आपने हासिल कर लिया। अब आप ये बताइए कि अगर स्टेरिलाइजेशन होगा 98% तो यहां पर खवातीन का होता है। अच्छा मैडम सुन लीजिए, अब इनका रिकॉर्ड, एक मिनट आप सुन लीजिए, अब इनका रिकॉर्ड देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में नवंबर 22, 2019 को मोदी सरकार सवाल के जवाब में कहती है कि उत्तर प्रदेश में वर्स डॉक्टर पेशेंट रेशियो है। आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में 2,270 डॉक्टर की वैकेंसीज है, आप वो भी पूरा नहीं करते और आप कह रहे हैं करेंगे। आपको मालूम मैडम उत्तर प्रदेश में 50% बच्चे स्टंटेड होते हैं, मैल न्यूट्रिशन से पैदा होते हैं और आप पॉपुलेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आपने, आपके पास ये कहते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, 10% CMI कहती है कि उत्तर प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट, यानी 100 में 10 लोगों को नौकरी की जरूरत है। इन्हीं का मिनिस्टर उत्तर प्रदेश विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल के ऊपर 33 लाख लोगों के नाम है, आप वो नहीं करते और पॉपुलेशन की आप बात करते हैं। ये बड़े पढ़े लिखे आदमी है, भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? पहले तो शुरू करते हैं रिप्लेसमेंट। BHP ने भी कहा कि ये पॉजिटिव वाला सही है, ठीक। इन्होंने रेज किया रिप्लेसमेंट की बात करी तो इनको थोड़ा सा अंतर शायद पता भी हो सकता है, मैं नहीं कहता, मैं पॉपुलेशन मोमेंटम भी आता है और चाइल्ड बेयरिंग एज होती है वो उत्तर प्रदेश की बहुत हाई है। तो ये सब चीजों को लेते हुए जब आपका जो टारगेट होता है, आज की डेट में हम 2.7 है, नेशनल एवरेज से ऊपर है TFR पे। कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब उस पर ज्यादा नहीं विषय भटकाऊंगा, मगर
टीएफआर हमारे 4% है साहब। अब उसको आप इंबैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए पॉलिसी तो होनी पड़ेगी। और उसको आप 2030 तक की 1.9 या 2% कैसे लाएंगे, उसके लिए पॉलिसी तो करनी पड़ेगी। पॉलिसी के अंदर एमएमआर आईएमआर, जो कि उत्तर प्रदेश का हाई है, मैं मानता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, उसको करने के लिए पॉलिसी तो हमें नीति लानी पड़ेगी। तो ये सब जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए, अच्छा अब डॉक्टर का रेशो दे दिया, बहुत अच्छा किया आपने दिया, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, मगर उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आज तक शायद आपको पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आती है 2017 के अंदर, तो हमारे पास टोटल जो डॉक्टर्स पैदा करते हैं वो मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास 12 होते हैं। आज हमारे पास वही मेडिकल कॉलेज 32 और बढ़ गए हैं, तो डॉक्टर्स तो वहीं से आएंगे ना, तो उस पर काम नहीं कर रहे होते तो फिर बोला ये गलत, मेडिकल कॉलेज खोल रहे नहीं है, ये सही फैक्ट बता रहा हूं। ये गलत कह रहे हैं, अगर ये मालूम होता तो मैं डेटा दे देता, मगर मैं ये कह रहा हूं गलत कह रहे हैं। आपने 5 साल में रूरल उत्तर प्रदेश में सब सेंटर्स 13,944, आप तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्यों इसकी कमी है? पीएचसी 49% कमी है, सीएचसी 53% का शॉर्टफॉल है। सर 5 साल से सरकार में आप मेडिकल कॉलेज जो नंबर दे रहे हैं वो गलत नंबर है आपका, बिल्कुल गलत नंबर है आपका। अच्छा ये बता दीजिए, चलिए आप मेडिकल कॉलेज खोले, आखिर संतोष गंगवार को, ब्रिजेश पाठक को, आपके राजेंद्र अग्रवाल को, मोहनलालगंज के एमपी को लेटर क्यों लिखना पड़ा कोविड में कि सर ऑक्सीजन नहीं है, आपके नेताओं ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है? क्या वो झूठ, अगर वो झूठ बोल रहे तो पार्टी से निकालिए उन लोगों को। उन्होंने क्यों लिखा उसका स्पष्टीकरण वो दे चुके हैं। जहां तक की जब कोविड की आप बात कर रहे हैं, ये महामारी के अंदर उत्तर प्रदेश का जो पूरा का पूरा उसका मैनेजमेंट कोविड कर रहा है, तो उसके लिए WHO से भी और नीति आयोग ने भी अलग अलग उसकी प्रशंसा की है। और यहां तक कि यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद है वो भी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे यूपी की, और उन्होंने कहा हम योगी जी को ले जाना चाहते हैं वहां पर, वो मैनेजमेंट कर दे हमारे लिए जो नहीं। एक साहब आप कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं वहां पर जो हम लोग ने मैनेजमेंट करा, आज क्यों नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पूरे देश में कर रहे हैं 5.5 करोड़, उत्तर प्रदेश ने जो टेस्टिंग करी है वो 6.5 करोड़ करी है। ये सब चीजों को देखें, और उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, थोड़े दिन के लिए था, अरे नीति आयोग ने तो ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख प्रतिदिन हो जाएगा 30 अप्रैल से, मगर उस दिन तो वो 23 लाख नहीं हुआ, 32,000 हुआ, हमने वो पीक को होने नहीं दिया। सर ये प्रशंसा कर लीजिए साहब, 24 करोड़ पॉपुलेशन पे हम लोग हैं। अच्छा दूसरे लोग आपके दिल्ली चले जाए, 2 करोड़ पॉपुलेशन में है, वहां डेथ रेशियो देख लीजिए और हमारे यहाँ देख लीजिए, तो आपको आंकड़े मिल जाएंगे। अच्छा सर आपने कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगाया उत्तर प्रदेश में, कितने परसेंट लोगों को? हम लोगों ने जो आपको मैंने अभी दिया 5.5, नहीं नहीं दो वैक्सीन, मैं वही कह रहा हूँ, जो 5.5 करोड़ का जो आपको मैंने आकलन दिया है उसके अंदर 60 to 65% जो है वो हम लोगों ने डबल डोज कर चुके हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, सिर्फ 4% लोगों को 2 डोज लगा उत्तर प्रदेश। ये तो आप ही के पास आंकड़े हो सकते हैं, हम लोग सरकार के तो होते नहीं, आपको कहीं और से मिलते होंगे। साहब मैं इसमें कैसे कर लूं? अच्छा सर कैसे डिबेट कर लूं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के आदमी को आप जरा ये भी बता देते कि आपके चीफ सेक्रेटरी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के कहा कि 2020 टीचर्स की मौत हुई है जिला परिषद इलेक्शन में, उनको एसग्रेशा दीजिए, उसको बता देते आप। अरे अरे आप इलेक्शन करवाते हैं, 2000 टीचर्स की मौत हो जाती है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं है सर, पानी पर लाशें बह रही हैं, वो अमीन पर कुत्ते लाशें खा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में कम से कम, ये बहुत क्वेश्चन ले चुके हैं, जवाब दे। कोई चश्मा काला लगा के घूमता हो और उसको जानकारी न हो, खाली वो इनको मिल अच्छा लगे जिससे वो सरकार को घेर रहे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जानकारी ले, गूगल अभी कर ले, दैनिक जागरण ले ले, NDTV ले ले, 2014 की भी ले ले, 2015 की ले ले, वही फापा मुंह जहां से मैं आता हूं प्रयागराज से, वही जगह पे वही आपको लाशें दिखेंगी, क्योंकि एक परंपरा है। अब वो परंपरा आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या करूं? पड़ेगा
क्या आप लोगों की यही पहचान रहेगी, धुरी ऐसी रहेगी? आप मुस्लिम मुस्लिम करेंगे या योगी योगी करेंगे? आप मुस्लिम मुस्लिम करेंगे या योगी योगी करेंगे? नहीं, ये मुख्यमंत्री नहीं बोलते ना, बाबा बोलते या महाराज बोलते, उनको तो मुख्यमंत्री बोलना चाहिए ना। भारत की डेमोक्रेसी में उनका ट्वीट देख लीजिए आप, रोज रिप्लाई आता है कि बाबा है, महाराज है। अरे भाई, भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और मुख्यमंत्री अपने आप कहता है कि मुझे महाराज बोलो, बाबा बोलो। आप टोपी पहने तो दिक्कत नहीं है, तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़े पहन ले तो महाराज से दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बाबा बोलो या मौलाना बोलो, मैं कह रहा हूँ असद पुकारो मुझे, बेहतरीन नाम मेरे माँ बाप ने रखा, बड़ा खूबसूरत नाम रखा, उसमें क्या बात है। मगर आप बोलेंगे नहीं, मुझे महाराज पुकारो, बाबा पुकारो। अरे ये कहां से आ गया भाई, ये तो संविधान के मुताबिक करना पड़ेगा। आपका मंच इस्तेमाल करके लोगों के बीच में सच ना बोलने की कहीं आदत हो गई है, तो जो मैं डिबेट करता था 4 साल मंत्री बनने के पहले, वो शायद ओवैसी जी अब झूठ बोल के डिबेट करने की आदत पे चल पड़े हैं। जिसने कभी एक ट्वीट दिखा दो, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री के विषय पे कह रहे हैं, तो जो सही है कम से कम वहां तो आदर और सम्मान रखना चाहिए, कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पंचायत के मंच पर आने के लिए और अपनी अपनी बातें कहने के लिए। ये धर्म कांटा अभी इधर उधर होगा, आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी। देखते रहिए आज तक।